स्मूथ सा हो गया है ना, तो इस बात ही अच्छा हुआ है। स्पंजी आप देख रहे होंगे कि ये पूरा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर रुचि लाइफ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है मैंगो केक की रेसिपी, जो कि हम सूजी के साथ बनाएंगे और बहुत ही हेल्दी है। और एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। और आम फलों का राजा होता है और अभी आम का सीजन चल रहा है और आम सभी को पसंद है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे बनाया जाए और बहुत ही यम्मी बनने वाला है। अभी जैसे कि मैंगो का सीजन आ चुका है, और मैंगो का सीजन आ चुका है तो मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैंगो केक की, जो कि बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। और मैं ये आपको बता दूँ, बहुत ही कम सामान से आप इसे बना सकते हैं और आपको बिल्कुल हेल्दी रहेगा ये। बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल अनहेल्दी नहीं है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस कंटेनर में मैंने दही लिया है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये हाफ कटोरी है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है और इसे मैं मिक्स करके रखी हूँ। मतलब दही को अच्छे से आपको फेंट लेना है, जिससे कि उसमें मतलब गुठलीपन सा नहीं रहे, आपको फेंट लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे शुगर, चीनी। तो चीनी हमने पीस लिया है, जिससे कि ये मिलाने में आपको आसानी होगी। तो आप यहाँ पे चाहें तो ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो शुगर फ्री भी यूज कर सकते हैं अपने अनुसार हेल्दी के लिए। और आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ बहुत ही कम चीनी लिया है और ये मैं पूरा यूज भी नहीं करूँगी। देखिए आप अपने मीठा के अनुसार यूज कीजिए। ये देखिए मैंने इसमें से ये इतना यूज किया है और इतना मैंने आप देख रहे होंगे कि बचा लिया है। ये देखिए क्यों, क्योंकि ये मैंगो का केक है, इसमें ऑलरेडी हम लोग मैंगो ऐड करेंगे, तो मैंगो का एक अपना मिठास होता है जो कि बहुत ही लाजवाब होता है। तो आप जो भी खास करके मैंगो यूज करें ना, वो ध्यान रखिए कि एकदम मीठा एकदम हो। आप टेस्ट कर लीजिए और तब उसे यूज कीजिए। तो ये मैं ऐसे भी चीनी को भी अच्छे से इसके साथ फेंट लेना है, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा। बस ये देखिए, और पीसा हुआ चीनी रहेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये मैंने इसे फेंट लिया है अच्छे से। छाली ऐड कर रही हूँ, जो आप लोग दूध का फ्रेश क्रीम होता है ना, मैं वो छाली को भाई क्रीम को उठा के रखी थी और इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। आप इसे फेंट लीजिए, या आपके पास फ्रेश अमूल का भी है ना तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने घर का लिया है तो ये हेल्दी भी एक तरह से ज़्यादा। तो इस तरह से आप भी जो घर का रहता है ना वो आप ले लीजिए मलाई, वो बहुत ही अच्छा होता है मलाई। और देखिए मैं ये मलाई को फेंट ले रही हूँ और बढ़िया से आप इसे फेंट लीजिए अच्छे से, और ज़्यादा देर नहीं लगेगा। मलाई डालने से पहले एक बार मलाई को बढ़िया से फेंट लीजिएगा, क्योंकि ना मलाई एक अच्छे से फेंट लीजिएगा तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तुरंत हो जाएगा। और इसमें मैं यूज कर रही हूँ सूजी, जो कि बहुत हेल्दी है। यहाँ पर मैंने कोई मैदा यूज नहीं किया है, तो ये बहुत हेल्दी केक है। और ये एक कटोरी मैंने इस कटोरी से, देखिए इस कटोरी का नाप आप लोग देख लीजिए, तो इस कटोरी से एक कटोरी मैंने सूजी लिया है और इसे अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, और आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस पर हल्का हल्का दूध डाल सकते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे हो वो दूध आपको करना है इसमें ऐड, कोई गर्म दूध नहीं। और सूजी है, जैसा कि आप लोग को पता ही है, तो इसे फूलने के लिए हमें छोड़ना होगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, अभी आप देख रहे होंगे। तो सूजी आपको पता ही है कि थोड़ा फूलेगा तो बढ़ ही जाता है। तो ये हो चुका है यहाँ तक काम। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मैंगो, जो इसका अभी बहुत ही अच्छा आपको दिखने वाला है। ये देखिए हमने मैंगो को, ये एकदम मीठा आम है, पका हुआ आम का इस तरह से अच्छे से पेस्ट बना लिया है, तो इस तरह से आप भी बना लीजिए। और इसमें से मैं थोड़ा सा बचाऊंगी गार्निश के लिए, अदरवाइज मैं डाल दूंगी। और मैं यहाँ पे दो आम यूज की हूँ मीडियम साइज का, तो इतना मैंने ले लिया है और इतना मैंने देखिए बचा लिया है गार्निश के लिए। तो ये देखिए, उसके बाद मिक्स कीजिए, जो कलर आएगा ना उभर के, ये आपको आपके घर में किसी को भी कोई बच्चा हो तो उसे तो बहुत पसंद आएगा। और इतना हेल्दी है कि आप सूजी के साथ बना रहे हैं, मैदे के साथ नहीं बना रहे हैं, और चीनी भी बहुत ही लेस अमाउंट में आप यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक टाइम का आप लोग चाय पीते होंगे ना, बस वही चीनी आपने इसमें यूज किया। और मैंगो की सीजन में तो सभी के घर में मैंगो लोग खाते ही हैं,
तो बस वही मैंगो इसमें यूज करना है और कुछ नहीं, बिल्कुल हेल्दी के साथ ये बन जाएगा। हेल्दी रेसिपी है, ट्राई करना जरूर बनता है। तो ये देखिए इस तरह से इसका बैटर हो गया। मैं इसमें हल्का सा दूध ऐड करूँगी रूम टेम्परेचर पे। तो ये देखिए बैटर थोड़ा एकदम आप देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा मैं इसे पतला करूँगी कि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे इसमें मैंने इतना दूध लिया है, एकदम रूम टेम्परेचर पे है, तो अभी पूरा दूध ऐड नहीं करेंगे। मैंने देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा दूध ऐड किया है, मतलब उसका हाफ से भी कम, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। ये देखिए और सूजी अभी फूलेगा। ये देखिए ये 1 मिनट, तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है बिल्कुल। और इसका कलर देखिए मैंगो डालने के बाद कितना अच्छा लगता है, बनने के बाद भी बहुत अच्छा लगेगा। जितना अच्छा देखने में लगेगा ना, उतना ही टेस्ट इसका खाने में भी आएगा। तो ये देखिए ये हो चुका है, लिया है, और इसे मिनिमम आप 2 घंटे के लिए ढक के रख दीजिए। कम से कम 2 घंटा इसे फूलने के लिए टाइम दीजिए। तो ये मैं ये स्पून निकाल ले रही हूँ, और स्पून निकालने के बाद इसे मैं अच्छे से ढक के 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखूंगी। 2 घंटे के बाद फिर मैं दिखाती हूँ ये क्या करना है। अभी हमने बैटर जो रखा था उसका 2 घंटा हो चुका है, और यहाँ पे मैंने केक का टीन ले लिया है। आपके पास ऐसा केक मोल हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो तो आपके पास कोई भी अल्मोनियम का कोई भी चीज़ हो, या तो फिर स्टील का भी कटोरी वगैरह भी हो तो वो भी चलेगा, उसमें भी आप बेक कर सकते हैं। बस मैं इसमें हल्का सा ऑयल ऐड करूँगी, देखिए, या आप घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी ऐड कीजिए, मैंने इतना सा ऐड किया है। और इसे अच्छे से इसमें चारों तरफ आप अच्छे से इस तरह से करके टीन में अप्लाई कर लीजिए। अब बटर पेपर है तो आप बटर पेपर ऐड कर सकते हैं, बटर पेपर नहीं है तो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से केक निकल जाएगा। तो ये आपने देखा मैंने इसे ग्रीस कर दिया है। ग्रीस करने के बाद हम इसे हल्का सा, आप इसमें मैदा या आटा कुछ भी देखे, हल्का सा डस्ट कर दीजिए। थोड़ा सा क्लिप मिस हो गया था, तो ये देखिए मैंने इसमें हल्का सा आटा डस्ट किया है, और आटा डस्ट के करके बस आपको इस तरह से ऐसे 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 करके चारों तरफ कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा आटा है ना उसे झाड़ लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हो गया है, और आपको अब कुछ नहीं करना है, ये रेडी है। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे बैटर आपको दिखाते हैं। तो ये बैटर का 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो ये देखिए बैटर बिल्कुल फूल चुकी है, अच्छे तरीके से फूल चुकी है। और बस अब मैं इसे मिक्स करती हूँ, ये देखिए। तो ये अभी बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैं आपको बोल सकती हूँ इस तरह का पेस्ट नहीं चाहिए हमें। रिफाइंड ऑयल आपको वो रिफाइंड ऑयल ऐड करना है जिसमें सुगंध नहीं हो, मतलब खुशबू नहीं हो, ठीक है। तो इसमें आप रिफाइंड ऑयल ऐड कीजिए, सरसों तेल बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ये रिफाइंड ऑयल 1 टीस्पून ऐड की हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपने देखा था कि मैंने घर की मलाई इसमें ऐड की थी, तो मलाई ऐड करने की वजह से मुझे 1 चम्मच ही ऐड करने से ऑयल, ये बहुत ही अच्छा केक फ्लफी बन जाएगा आराम से, आप ये बहुत ही टेस्टी होगा। और आप यहाँ पे घर की मलाई वगैरह ऐड नहीं करते हैं तो आप उस कंडीशन में 2 चम्मच, बिल्कुल 2 चम्मच ऑयल ऐड कीजिए। और ऐड करूँगी तो जो दूध मेरा बचा हुआ था ना, वही दूध मैंने ऐड किया है। तो आप थोड़ा दूध रखिए, और इस तरह से इसे मैं फेंट लूँगी कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए दूध। मिक्स करने के बाद इसका बैटर आप देख रहे होंगे कितना अच्छा हो गया है, एकदम स्मूथ सा हो गया है ना। तो इस तरह का ही आपको स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है केक के लिए, देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो बेक करेंगे ये कढ़ाई में, यहाँ पे मैंने गैस ऑन किया है और ये कढ़ाई मैंने रख दिया है, कढ़ाई मैं कढ़ाई में बेक करूँगी। तो आप कढ़ाई में, कुकर में, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, या आपका अल्मोनियम का कोई भी कंटेनर वगैरह है तो उसमें, बट ये कढ़ाई में भी बेक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गैस पूरा हाई फ्लेम पे अभी रखा है, 10 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी। इस तरह का मैंने स्टेन यूज किया है, तो आप इस तरह का स्टेन यूज कीजिए। और स्टेन नहीं है तो फिर आप कोई प्लेट वगैरह भी यहाँ पे जो छोटी आकार की होगी उसके ऊपर कटोरी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे रख दिया है, और इसे गर्म होने देंगे 10 मिनट तक, आपको प्री हीट होने देना है। और मैं इसे ढकने के लिए एकदम बराबर बर्तन चाहिए, जिससे कि इसका एक भी जो मैं गैस जो है ना बाहर नहीं निकल पाए, ठीक है। तो मैं इससे इसे
ढकूंगी क्योंकि ये बिल्कुल दोनों सेम हैं और देखिए अच्छे से बेक होगा। तो 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे गर्म होने देंगे, मतलब हाफ टी स्पून से भी कम मैंने ये ऐड कर दिया है। बेकिंग सोडा मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून से भी कम, और ये बेकिंग पाउडर केक वाला मैं ऐड कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर 1 चम्मच आपको ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ये ऐड कर दिया है। और ये दोनों में से आपके पास नहीं है तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पे इनो ऐड कर दीजिए। और ये ऐड करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से इसे मिक्स कीजिएगा क्योंकि ये तुरंत से आप देखिएगा, ये आप जैसे ही डालिएगा ना ये फूलने सा लगेगा, आपको आपको महसूस होगा कि आपका बैटर बहुत हल्का हो गया है। तो ये बस आप थोड़ा सा इसे मिक्स कर लीजिए हल्के हाथों से। ये देखिए आप देख रहे होंगे कितना हल्का हो गया है, तो इस तरह से बहुत हल्का हो जाता है। ये केक का जो टिन है ये तैयार है बर्तन, और बस अब इसमें हम लोग बेक करने के लिए डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट है, बादाम, काजू और किशमिश। तो यहाँ पे मैं बैटर ऐड करने से पहले हल्का हल्का इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए चारों तरफ फैलाते हुए आप ऐड कर दीजिए। और ये किशमिश, तो इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है। और फिर हम लोग इसमें बैटर जो है ये ऐड करेंगे। तो एक बार मिक्स कर लिए, देखिए कितना फ्लफी हो गया है। और बस इसे बैटर ऐड करने के बाद इसे आप इस तरह से कर लीजिए, जैसे कि जो भी बबल्स होगा ना वो आपका अच्छे से हट जाएगा। ये देखिए, और ये होने के बाद ये रेडी है। अब मैं इस पे ये ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी, जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट है ना वही। तो आप अपने मनपसंद जो भी आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगता हो आप ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आपकी मर्जी। इस तरह से मैंने ये पूरा इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे बेक करने के लिए डालेंगे। तो 10 मिनट हो चुका है और बस हम इसको हटा लेंगे। और आपको केक बेक करने में 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट लग जाता है, बट आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा 30-35-40 मिनट के बाद, या 40 मिनट के बाद आप एक बार चेक कीजिएगा। कोई भी एक आप चाकू भी आप डाल के ऐड करके ऐसे बीच में डाल के जरूर देखिएगा, खास करके बीच में, जिससे कि आपको पता चलेगा नाइफ में नहीं चिपकेगा तो आपका ये केक बिल्कुल बेक हो चुका है। और चिपक रहा है तो इसे बेक होने दीजिएगा, पर एक बार चेक जरूर कीजिएगा। बट इसे 1 घंटा 5 मिनट पूरा समय इसको लगेगा इस तरह से बेक होने में, क्योंकि बर्तन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो बर्तन की जो तली है वो किस तरह से हीट हो रही है, या वो किस तरह से आपको केक बनने में कितना आपका समय लगेगा, तो वो बर्तन पे डिपेंड करता है। तो अब 40 मिनट हो चुका है, तो अब हम लोग चेक करने आ चुके हैं। बहुत ही गर्म होगा तो ध्यान से एकदम हटाइएगा। ये देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा हुआ है। ये देखिए, ये अभी मैं चेक करती हूँ टूथपिक की सहायता से कि ये हुआ है या नहीं। बीच में मैंने एक बार पूरा डाल दिया और ये निकाला, ठीक है। बट ये देखिए चिपक नहीं रहा, पर एकदम हल्का चिपक रहा होगा, आप कैमरा में देख रहे होंगे बिल्कुल हल्का। तो अभी इसे और हम इसे पकने देंगे, अभी इसे कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से इसे ढक देंगे। और अच्छे से ढकिएगा पूरा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बराबर कर दिया और इसे अभी और होने देंगे 15 से 20 मिनट। तो ये देखिए अब मैं ये फाइनल चेक करती हूँ। ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही आप इसे कुछ भी करिए, क्योंकि ये गर्म रहेगा ना और आप इसे निकालने का कोशिश करिएगा तो ये टूट भी सकता है, तो इस वजह से इसे ठंडा होने दीजिए। देखिए मैंने
तो इसे मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है और इसे इसी तरह से मैं पहले ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इसे निकालूंगी इसे। तो देखिए ये ठंडा हो चुका है और बस मैं हल्का सा नाइफ से इस तरह से चारों तरफ हल्का हल्का इस तरह से कर ले रही हूँ प्लेट की मदद से। इस तरह से आपको इस प्लेट में इस तरह से मैं पलट लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं हल्का सा कर ले रही हूँ और ये फिर मैं इस तरह से करूँगी और निकालूंगी धीरे से और ये बिल्कुल निकल जाएगा। ये देखिए तो ये केक बिल्कुल बन चुका है और ये देखिए अंदर में भी कुछ ऐसा जला वेला नहीं है। ये देखिए बहुत ही स्पंजी हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सामने से थोड़ा। ये देखिए स्पंजी आप देख रहे होंगे केक, ये पूरा एकदम स्पंजी हुआ है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर रुचि लाइफ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ और बहुत सारा कमेंट कीजिए आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा, कौन सा रेसिपी चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए। ओके तो आई होप पसंद आया हो तो वीडियो को बहुत सारा शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड सभी के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड एंड फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ।